Hi everyone welcome to an academy. Uh, please let me know whether I'm visible or not. So today we are going to solve actually seventeen questions not fifteen because many are though at cardtier so seventeen questions solve Karenge Hamlog within half an hour. it is going to be a live quiz and these questions will be from basic concepts okay? हेलो टू एवरी वन गुड इवनिंग यस एम विजिबल एंड ऑडिबल राइट लेट्स वेट फॉर वन मोर मिनट एंड सी इफ मोर पीपल ज्वाइन सो ऑफ यू दो आर इन दिस फर्स्ट क्लास हु आर ज्वाइनिंग दिस एज द फर्स्ट क्लास दोज ऑफ यू डोंट नो मी माई नेम इज अंतरा और मैं अन अकेडमी पे यूजीसी एन टी एन न्त, एट सोशोलॉजी पढ़ाती हूँ

So in the end, if you think this video you liked it and it helped you, please do like it. Okay, all right. So this is a reminder again that batch course on paper one has started on An Plus. Those of you who want to avail it, uh, please uh, take the subscription. And uh, this time they are teaching in both Hindi and English, so आपको it languages में And this is my referral code which in case you use you will get a 10% discount that is antara life okay all right sapna polling hota hai yes you people remember about the homework tell me what is the answer what is the difference between crude birth rate refined birth rate kya hai difference i think yashoda and namrata remembers Kalki question say i had given you uh, this uh, two होमवर्क क्या आपको ढूंढने है यस व्हाट इज इट प्लीज टेल मी सपना डून वरी सिक्स थर्टी का जो क्लास होगा उस पर आइएगा आज वहां पे पोलिंग ही करूंगी मैं क्रूड में लाइफ बर्ड्स एनीथिंग बेटर अ स्पेसिफिक टर्म दैट डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन क्रूड बर्थ रेट एंड रिफाइंड बर्थ रेट ओके okay, आप लोग बता सकते हैं टिल देन वी विल स्टार्ट विद दिस क्विज और आप लोग बता सकते हैं ओके क्रूड बर्थ रेट इज नंबर ऑफ लाइफ बर्थ अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर पर थाउजेंड पॉपुलेशन यस एंड व्हाट अबाउट रिफाइंड बर्थ रेट देन यस अलका सिक्स थर्टी प्लस क्लास टोटल पॉपुलेशन सेम ईयर ओके ओके आई कैन सी यू गैज स्टिल क्लियर स्टिल थोड़ा डाउटफुल डोंट वरी आज मैं भूल गई हूँ वो लाना डेफिनेशन प्रॉबेबली कल के क्विज क्लास uh, में डेफिनेशन दोनों का लेके आऊंगी एंड आल एक्सप्लेन यू दैट एज वेल ओके यस नम्रता आई थिंक हैज गॉट दैट पॉइंट बर्थ रेट में क्या होता है फिफ्टीन टू फोर्टी एज ग्रुप में ही लिया जाता है बट क्रूड बर्थ रेट में वो नहीं होता है क्रूड में दे टेक द टोटल लाइफ हैपनिंग सो क्रूड में इट्स टोटल लाइफ बर्थ एंड रिफाइंड में ओनली फ्रॉम द 15 टू 44 रेंज ओके यस यू यू आर राइट सो आई गिव द नाउ लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन ओके फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नहीं तो हमारे सत्रह क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आई होप इट इज विजिबल थोड़ा ब्लर्ड था बिकॉज द क्वेश्चन पेपर इट सेल्फ वॉज ब्लर्ड बी एच यू का जो पेपर था लास्ट ईयर का वहां से मैंने लिया है द क्वेश्चन इज विच अप्रोच हैज बिन यूज बाई डब्ल्यू एल वॉर्नर फॉर स्ट्रेटिफिकेशन दिस इज वेरी सिंपल आई हैव डन दिस क्वेश्चन विद यू ऑल अ फ्यू डेज बैक एज वेल मैंने आप लोगों से समझाया भी था स्पेषली टू माई स्टूडेंट वॉट इज दिस बट आई वॉन्ट आदर्स टू सी की बाकी स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं कि नहीं वार्नर लॉयड उनका नाम है ही यूज स्पेसिफिक मॉडल फॉर स्ट्रेटिफिकेशन और वो मॉडल का नाम क्या है आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर जितने भी लोग लाइव हैं प्लीज आंसर ओनली इट विल बी मोर अमेजिंग अगर आप लोग गलत भी दे रहे हैं इट इज ओके यस मैक्सिमम ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर वेरी गुड इट इज रेप्युटेशनल मॉडल ओके लॉयड वॉर्नर थियरी इज बेस्ड ऑन स्टेटस रेप्यूटेशन तो वो कहते हैं कि स्टेटस बेसिस पे जो भी आपकी रेप्यूटेशन होती है उसके आधार पे उन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन दी थी ओके स्टेटस रेप्यूटेशन मॉडल भी बुलाया जाता है एंड ही वर्क्स ऑन स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ क्लास उनका काम है क्लास स्ट्रेटिफिकेशन पे ऑल राइट वेरी गुड लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी का इंडिकेटर इनमें से कौन सा नहीं है रेस क्लास कास्ट रिलीजन वॉट इज इट इंडिया में कौन सा चीज कल्चरल डाइवर्सिटी में नहीं आता है सम पीपल आर सेइंग बी सुमार सिंह ए समार सिंह सी as वेल ध्यान से कल्चरल डाइवर्सिटी की बात हो रही है द की वर्ड इज कल्चरल डाइवर्सिटी कल्चर के बारे में डाइवर्सिटी इनमें से कौन सा नहीं बताता है ओके क्लियरली पीपल आर कंफ्यूज ओके लेट मी टेल यू गाइस रेस कास्ट एंड रिलीजन आर एलिमेंट्स ऑफ कल्चर ये सारे कल्चर के एलिमेंट्स हैं रेस के आधार पे आपकी कल्चर होगी पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट ट्राइब्स यस बट क्लास इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ कल्चर क्लास इज एन इंडिकेटर ऑफ योर इकोनॉमिक पोजिशन इट इज नॉट अ पोजिशन ऑफ योर कल्चर सो रेस कास्ट रिलीजन ये सारे हमारे कल्चरल एस्पेक्ट हो गए हैं यस सो दो पीपल हु आर रेस इज इट सो रेस नहीं होगा ओके रेस भी तो है इंडिया में रेस नहीं है क्या देर आर सो मेनी रेसेस वी है सो मेनी रेसेसिड अबाउट राइट ओकेस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया इस बुक ऑथर कौन है कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया ए सी मेर लुई डुमो एल दुबे एफ जी बेले कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया किसकी किताब है आप लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं इफ यू पीपल नो कि इनमें से इस इस इंसान का बुक ये नहीं है दैट वे यू कैन एलिमिनेट एज वेल उस तरीके से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं यस yes. राइट right. many पीपल आर गिविंग me mixed रिस्पॉन्स कुछ कह रहे हैं मेर कुछ कह रहे हैं दुमो रिजले अश्मिता रिजले तो है ही नहीं है ऑप्शन में रिजले कहां से आ गए अश्मिता इज मेकिंग ओन ऑप्शन यस द करेक्ट आंसर इज ए सी मेर ओके okay? तो अगर आप लोगों ने uh, किताबों के लिस्ट बनाए हैं अपने नोट्स में प्लीज एड इट एसी मेयर का किताब का नाम है कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया ओके वेरी गुड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस इज ऑब्जर्वड टू कोमेमोरेट विच इवेंट कौन से इवेंट को याद करके प्रवासी भारत दिवस मनाई जाती है इंडिया में द एडवेंट ऑफ गांधी जी The uh, the return of Gandhi ji to India from South Africa, the beginning of Quit India movement, when British left on this day, Gandhi ji received the title of Mahatma. कौन लेफ्ट ऑन पे हमारे इंडिया में प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है यू पीपल ऑल्सो टेल मी कि प्रवासी भारत दिवस कब मनाया जाता है यू पीपल ऑल्सो टेल मी दैट यस अमृता is सेटलिंग विद ए इट्स इजी राइट गुड सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज द एडवेंट ऑफ गांधी जी टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका प्रवासी दिवस नाइन्थ जनवरी प्रवासी दिवस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं व्हाट इज द इंग्लिश नेम फॉर प्रवासी दिवस इनकेस अगर ये क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ लिया दे न्यू पीपल विल बी कन्फ्यूज Yes, what is the English of Pravasi दिवस? Is there any English name for Pravasi? Yes, so let's see the detail of this Pravasi Bharat दिवस is a celebratory day observed on 9th January. Okay, very good. कोई कह रहा है डाइस पड़ा, it's it's NRI, okay? प्रवासी दिवस को NRI day भी कहा जाता है। जस्ट रिमेम्बर दिस ठीक है सो इट वॉज ऑब्जर्व ऑब्जर्व नाइन्थ जनवरी जब रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी हुआ था फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू मुंबई ऑन नाइन्थ जनवरी नाइनटीन फिफ्टीन ओके वेरी गुड लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव किसने ये कॉन्सेप्ट दिया है विच इज कॉल्ड एनहेंस्ड रिचुअलाइजेशन इंस्टेड ऑफ संस्कृताइजेशन संस्कृताइजेशन के कॉन्सेप्ट को रिप्लेस करके किसने कहा है कि हम लोग एनहेंस्ड रिचुअलाइजेशन टर्म यूज कर सकते हैं वी कैन यूज द टर्म एनहेंस्ड रिचुअलाइजेशन इंस्टेड ऑफ संस्कृताइजेशन फॉर इंडियन रूरल सोसाइटी टीके ओमन, डी एन धनागरे युगेंद्र सिंह एस सी दुबे अनुष्ठान वृद्धि का कॉन्सेप्ट अच्छा ओके okay, अश्मिता आप पूछ रहे थे ओके ऑल राइट सो मैनी पीपल आर सेइंग थ्री समर सिंग बी समार सेइंग सिंग डी कंप्लीटली मिक्सड एनहेंड रिचुअलाइजेशन का किसने दिया है यस आई थिंक मैक्सिमम ऑफ यू गिव द रोंग आंसर द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एस सी दुबे ओके एस सी दुबे रिप्लेसेस द टर्म संस्कृताइजेशन एन हीस कि हम लोग एनहेंस्ड रिचुअलाइजेशन टर्म यूज कर सकते हैं सो so आप लोगों ने जो भी रूरल सोसाइटी के नोट्स बनाए हैं प्लीज नोट इट डाउन अपने नोट्स में लिख लीजिए एड इट कि एस दुबे का और एक टर्म भी है कॉन्सेप्ट भी है दैट इज ऑफ एनहेंस्ड रिचुअलाइजेशन ओके वेरी गुड लेट्स ये दैक्स क्वेश्चन ना क्वेश्चन नंबर सिक्स द सेंटिली स्ट्राइब बिलोंग्स टू वॉट ये जो सेंटिनिलिस ट्राइब है ये कहां से बिलोंग करते हैं इसके बारे में मैंने आपको ट्राइब वाले क्लास में पढ़ाया है ऑन द फ्री प्लेटफॉर्म सो एवरीबडी शुड गिव मी द करेक्ट आंसर बिहार मिजोराम गोवा अंदमान निकोबारेंटिन ट्राइब बिलोंग्स टू विच प्लेस यस, आई हैव टॉक यू पीपल दिसर्ड विथ यू की उनकी रिलेटेड एक कहानी भी है

so this is very famous they are host, hostile towards other people so it's andaman and nicobar ka tribe okay right let's see the next question question number 7 little community is a cradle to the grave arrangement who said this little community is a cradle to the grave arrangement kiska hai ye स्टेटमेंट किसका है रॉबर्ट रेडफील्ड आंध्रे बेते, बी आर चौहान मैक्यूम मैरियट। ओके मेनी पीपल आर सेइंग ए व्हाट अबाउट अदर्स सब एवरीबडी इज लिमिटेड टू ए ओनली एनीबडी एल्स विद एनी अदर ओपिनियन ओके समबडी said टू राइट सो यहाँ पे वर्ड हमारा इस सेंटेंस में ही था दैट इज़ लिटिल कम्युनिटी एंड लिटिल कम्युनिटी के बारे में the so, right? आपसे पूछा जा रहा है कि रीसोशलाइजेशन जो टर्म है इसका मीनिंग क्या है ध्यान से सारे ऑप्शन को देखें एंड देन ओनली आंसर री सोशलाइजेशन मीन वन To learn traditional values of society, to forget what has been learned, to replace learned social behaviour by learning new system of values, to learn predetermined and pre planned norms of behaviour. Read the sentence properly. What is the meaning? You have to understand. माइट गेट कंफ्यूज एज वेल बट प्लीज ध्यान से देखे ओके सम पीपल आर सिंह डी समर सिंह सी मैक्सिमम हमें सी बता रहे हैं एनीबडी विथ एनी अदर ऑप्शन ओके वेरी गुड इट इज सी येस इट इज सी ओके गाइज पीपल माइट गेट कंफ्यूज विथ बी टू फॉर्गेट वर्ड हैज बीन लर्न इज नॉट द मेन कंसर्न फिर तो करना होगा बट वी हैर्न अगेन रीसोशलाइजेशन में फिर से हम सीखते हैं दैट इज द मेन फोकस ओके बाई लर्निंग न्यू सिस्टम ऑफ वैल्यूज नॉर्म्स एंड बिहेवियर सो दैट इज द मोर फोकस फोकल पॉइंट ऑल राइट ओके लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन मिताक्षरा एंड दया भाग ये दोनों क्या है ये जो ये जो दो टर्म्स मैंने आपको दिया है मिताक्षरा एंड दया भाग इसमें क्या होता है दीज आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट रिलेटेड टू वर्ना सिस्टम दो फेस्टिवल्स ऑफ हार्वेस्टिंग है इंडिया के दो स्कूल्स ऑफ लॉ है इंडिया के जहां पे सक्सेशन और इनहेरिटेंस की बात होती है दो फिलोसोफर्स हैं वैदिक एज के क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर क्या होगा वॉट आर दीज टू टर्म्स मिताक्षरा एंड दयाभाग ये दोनों है क्या एंड यू ऑल्सो हैव टू टेल मी की ये हम कहाँ पढ़ते हैं वेर डू वी स्टडी दिस मिताक्षरा पे हम लोग पढ़ते हैं हुउट दीज टू कॉन्सेप्ट ओके पीपल आर कंफ्यूज सुमार सिंह ए सी बी सब मिक्सड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं ओके दोज पीपल हुई वीडियोज वुड नो येस वेरी गुड करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इरावती कर्वे ये तो मैंने आप लोगों को ट्वेंटी सिक्स थिंकर्स के की uh, वर्ड्स में भी मैंने दिया था आप लोगों को राइट right? इरावती कर्वे का की वर्ड इट इज टू मेन स्कूल ऑफ सक्सेशन की कैसे प्रॉपर्टी कैसे इनहेरिट होती है दिस so फॉर इरावती कर्वे ओके राइट प्रॉपर्टी रिलेटेड वेरी गुड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन इनमें से किसने रोल बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया है फैमिली के स्टडी में वेन ही फैमिली हु हैज यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल बार्गेनिंग येस वेरी गुड वॉट इज इट बार्गेनिंग कांसेप्ट ऑल्सो प्लीज राइट इट डाउन जब आप लोग नोट्स बनाएंगे अपने नोट्स में लिख लेना आप लोग ए के आई डों हिंदी आती नहीं है आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ यस पीपल आर सिंग मॉर्गन सिंग सब रेस्पॉन्स वो एलियट एंड मेर भी बता रहे हैं रोल बार्गेनिंग ओके द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज विलियम जे गुडी ओके अपने नोट्स में प्लीज ऐड कर लीजिए रोल बार्गेनिंग कांसेप्ट इन स्टडी ऑफ फैमिली वॉज गिवन बाय विलियम जे गुडी ओके गुड वेरी गुड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा दिस इज लिटिल ट्रिकी ध्यान से सारा देखना फिर बताना आई हैव टॉट यू पीपल ऑल ऑफ दिस यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ मैरिजेस आपको दी गई है प्रोबेशनरी मैरिज मैरिज बाय मैरिज बाय सर्विस मैरिज बाय ट्रायल और आपको ट्राइब्स के नाम भी दिए गए हैं भिल्स ऑफ़ गुजरात, खासा, कोकी, बिर्होर. अभी आपको बताना है कौन से ट्राइब कौन सा मैरिज करता है यस yes, शिखा रोल स्ट्रेन वॉज ऑल्सो स्टडीड बाय गुडी इफ यू पीपल रिमेंबर आई हैव टॉट यू पीपल ऑल ऑफ दीज अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद रहेगा टेक योर टाइम एंड देन आंसर आप लोग टाइम लेके आंसर करें ओके टू पीपल आर से किसी ने कहा है सी व्हाट अबाउट आदर्स ओके वेरी लेस पीपल आर गिविंग मी द करेक्ट आंसर हिंदी तो नहीं पता ज्योति मुझे आप लोग बताइए इसका हिंदी क्या होगा यस मैक्सिमम ऑफ यू हैव गिवन मी दी रॉन्ग आंसर द करेक्ट आंसर विल बी बी ओके प्रोबेशनरी मैरिज प्रैक्टिस करते हैं कुकी मैरिज बाय इंट्रूजन बिरहोर मैरिज बाय सर्विस खासा मैरिज बाय ट्रायल्स भील ओके क्लियर गाइस प्लीज सीख लीजिए इन्हें ओके हिंदी में पता है ओके देन नो प्रॉब्लम अगर जो आपको आता है हिंदी में देन इट्स गुड एटलीस्ट आप जब नेट में अगर आया क्वेश्चन तो आप आंसर कर सकते हैं राइट यस लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ये सारा पढ़ाया हुआ है गाइस फिर भी यू आर मेकिंग मिस्टेक ये तो मैंने फ्री क्लास में पढ़ाया था यू पीपल हैव टू टेल मी कि एल एच मॉर्गन के हिसाब से एवोल्यूशन ऑफ फैमिली का करेक्ट ऑर्डर क्या है वट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू मॉर्गन कहां से शुरू हुआ था कहा हुआ है ये तो मैंने फ्री क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है सो यू कैन टेल मी की मैम नहीं पता मैरिज बाय इंट्रूजन अंजलि मैरिज बाय इंक्लूजन मीन्स फोर्सफुली क्या आपको शादी करना ही है उसी से आप उसके घर पर जाके बैठ जाओगे सो द गर्ल गोज एंड सिट्स इन दी हजब हाउस चाहे कुछ भी हो

Yes, री गुड इट इज सी सबसे पहले आया था family, पूनान family, सिंडासमि family, पेट्रियॉर्कल family and finally monogamous family. Family. इट्स वेरी सिंपल डोंट स्कीप दीज क्वेश्चन का मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के ऐसे अनोखे क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए ढूंढ के पीपल so, हैर्टीन एस्टेट सिस्टम इज अ फीचर ऑफ वर्ट ये एस्टेट सिस्टम होता है यह कौन से सोसायटी का फीचर है पोस्ट इंडस्ट्रियल यूरोपियन सोसायटी फ्यूडल इजिप्शियन सोसायटी कौन से सोसायटी का है ये कौन सा नहीं समझ में आ रहा है श्वेता पांडे आई हैव टॉट यू पीपल टाइप्स ऑफ फैमिलीज बायन प्लीज है लुक एट दोस क्लियर हो जाएगा If you are a plus student, you can visit the family marriage kinship unit. Otherwise, up uh, YouTube maybe hai, a class on Morgan. You can have a look at that. Yes, very good. It is feudal European society. Estate is a key term for feudal society. Right. Let's see question number 14. Who has drawn a distinction? Kisne distinction draw hai between these terms: corporate class consciousness and competitive class feeling. एक है कॉर्पोरेट क्लास कॉन्शियसनेस दूसरा है कॉम्पिटेटिव क्लास फीलिंग इन दोनों टर्म्स के बारे में डिफरेंस किसने दिया है कालमार्ग सी एच कूली आर एम मेकाइवर डब्ल्यू जी सुमनर गिवन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स वेरी सिंपल 14 का आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज आर एमकाइवर ओके ये मेकाइवर के दो कैटेगरीज है इट्स नॉट कार्लमार्क्स कार्लमार्क्स डॉट टॉक अबाउट कारपोरेट क्लास कॉन्शियसनेस एंड ऑल दैट ओके इट इज मेकाइवर कॉन्सेप्टो प्लीज एडिड टू योर नोट लेट्स इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है पोलर स्टेटस का विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर स्टेटस ब्रदर जजमान हजबेंड वाइफ मदर एंड फादर वन एंड टू ओनली थ्री एंड फोर ओनली वन टू एंड थ्री ओनली वन टू थ्री एंड फोर सारे इनमें से कौन सा पोलर स्टेटस के एग्जाम्पल्स हैं फिफ्टीन का क्या होगा आंसर टू पीपल हैव ओनली आंसर व्हाट अबाउट अदर्स वेरी गुड इट इज बी थ्री एंड फोर ओनली बस यही दो पोलर स्टेटस है पोलर स्टेटस मीन्स पेर जो हमेशा पेर में आते हैं कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को सो हस्बैंड होगा तो वाइफ भी होगा फादर होगा तो मदर भी होगा लाइक दैट ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आज सेवनटीन क्वेश्चन है डिनोमिनेशन का मीनिंग क्या है what is the term denomination what does it mean a type of religious sect a type of church a type of religious organization a type of ecclesiastic ecclesiastical metropolis क्या है ये denomination का मीनिंग क्या है यस पोलर स्टेट्स आर बाय लिंटन राइट 16 का आंसर बताइए वेरी लेस पीपल हैव गिवेन द करेक्ट आंसर ध्यान से देखिए गाइज वेरी लेस पीपल हियर इट इज ऑप्शन सी इट इज अ टाइप ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे होते हैं चर्च होती है सेक्ट होती है एक्लेशिया होती है सो डिनोमिनेशन इज वन ऑफ दोज टाइप्स ओके क्वेश्चन नंबर द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल टूडे उसके बाद आप लोगों को स्कोर्स बताने हैं मुझे एसर्शन बता रहा है कि रेफरेंस ग्रुप इज अ फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी बिकॉज रेफरेंस ग्रुप लीड्स टू एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन ए एन आर आर करेक्ट ए एन आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए इज ट्रू आर इज फॉल्स A is false, R is true. Kya hoga. Reference group is functional for both individual and society because reference group leads to anticipatory socialization. Right, this was a simple one. But not to worry, I will I will do with you all at least 100 uh, assertion and reasoning in uh, special class from May. Yes, the correct answer is a. It is functional because it leads to anticipatory socialization. okay. Yes. So that you are prepared before society stability made helps. If you practice for uh, anticipatory socialization, it will help you to settle down better.

15 uh, Neelam, good. 14 ET. Uh, what about others? 14, 15 says other coin, right? Okay. So nobody scored more than that. Okay. But those people who are. Uh, माई स्टूडेंट्स ऑफ प्लस मैंने ये सारे चीजें आप लोगों को करवाए हैं यू पीपल नीड रिविजन कोई भी अनकॉमन क्वेश्चन ना था नहीं ओके सो प्लीज प्रैक्टिस एंड रिवाइज वेल एंड दो पीपल हू स्टिल वॉन्ट टू जॉइन एन अकेडमी प्लस प्लीज डू सो सून बिकॉज वी आर रिवाइजिंग एवरीथिंग दिस इज माई कोड एंड यूज अंतरा लाइफ टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट एंड दिस इज माई टेलीग्राम ओके थैंक यू सो मच आई विल हैव टू लीव नव बिकॉज आई हैव अ क्लास फ्रॉम सिक्स थर्टी आज रात के नौ बजे के इग्नू क्लास में आ जाना आप लोग आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एट नाइन ओ क्लॉक इग्नो क्लास उसका डिस्क्रिप्शन है उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ओके थैंक यू सो मच गाइज बाय